नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल की लॉन्चिंग के बाद से ही बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, इस दवा के दावे को लेकर बाबा रामदेव अब लगातार घिरते जा रहे हैं। अब बाबा रामदेव, पतंजलि, आयुर्वेद के CEO आचार्य बालकृष्ण और 3 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। राजस्थान के जयपुर में ये FIR दर्ज कराई गई। ये केस कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, इस मामले को लेकर जयपुर के ज्योति नगर पुलिस थाने में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण, वैज्ञानिक अनुराग वार्षण्य, NIMS के चेयरमैन बलबीर सिंह तोमर और निदेशक अनुराग तोमर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। FIR में इन लोगों के ऊपर कोरोनिल को कोरोना वायरस की दवा बताकर भ्रामक प्रचार के जरिए देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।